हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और अभी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं, आज हमारी राइड का है चौथा दिन। कल हम लोग गए थे गुरुद्वारा साहेब नानक जीरा जो कि कर्नाटक में था, दर्शन करके हम लोग रात में वापस आ गए थे। अभी मैं तख्त श्री हजूर साहेब अबचल नगर सचखंड में हूँ, मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे रूम पर और फटाफट से रेडी होकर निकलेंगे घर के लिए। करीब 600-650 किलोमीटर है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आज ही हम लोग पहुँच जाएँ। तो फटाफट से चलते हैं वापस रूम पे, पैकिंग करते हैं, रेडी होते हैं और रवाना होते हैं और मिलते हैं बाइक पर। तो लेट्स गो बिना देर करें। सब लोग भाई लोग एक एक करके अपना अपना सामान भार लाते हुए, और हमारा नन्ना सरदार खुद के बराबर वजन का सामान ले कर चलते हुए आ रही आ रही आ रही। नाराज ना हो। नांदेड़ से बड़वानी के लिए निकलने को तैयार हैं सब। ये नन्ना सरदार की बाइक रेडी है। पप्पल भाई अकेले राइड करने वाले हैं, गगन अब बैठेगा रवि के साथ, इसलिए रवि की बाइक पर कोई सामान नहीं है। ये अपनी बाइक, कल इसका शॉकअप टूट गया था फिर भी इतना वजन दे दिया उस पर। देखो वाहेगुरु बहुत बड़ा है, क्या करते हैं अब। और ये डोमिनार विक्की की, ये भी अकेला राइड करने वाला है। तो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, लेट्स गो। और अगर मेरा कोई भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया है और मेरी कर्नाटक राइड के डायरेक्ट फोर्थ एपिसोड देख रहा है, तो वो पहले जाके 1-2-3 एपिसोड देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तभी फोर्थ एपिसोड देखने का मज़ा आएगा। अभी हम लोग सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही निकले नांदेड़ से, और अपनी गाड़ी का जो शॉकअप बना हुआ है, ये शायद कल एक शॉकअप पे जो 40-50 किलोमीटर बाइक चलाई है अपन ने, उसके कारण दूसरा शॉकअप लूज हो गया। कुल मिला के दोनों शॉकअप जो हरकत कर रहे हैं वो ये है कि एक इंच का भी अगर जंप आता है तो गाड़ी कुटा जाती है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है गाड़ी चलाने में भी, और डर लग रहा है फिर से ना टूट जाए। तो अभी क्या करा है अपन ने, विक्की की गाड़ी का पूरा सामान निकाल के और मेरी बाइक पर बांधा है, और अब मैं चलूँगा सिंगल। अभी हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं, गूगल मैप यहाँ दो रास्ते बता रहा है, दुकान वाले से पूछा है, इसने बोला राइट जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सिंगल चल रहा हूँ और मेरी गाड़ी पर बहुत सारा सामान बंधा है। ये पप्पल भाई चल रहे हैं आगे आगे, और इनकी गाड़ी पर भी 3 बैग बंधे हुए हैं, 3 लोगों का सामान है, रवि का, पप्पल भाई का और गगन का। ये भी टोटल सामान के साथ ही चल रहे हैं और मैं भी टोटल सामान के साथ चल रहा हूँ। अभी सामने सड़क के ठीक सामने पहाड़ दिख रहे हैं ये, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे सड़क जाके खत्म हो जाएगी। शानदार नज़ारा है। यहाँ से लेने वाले हम लोग एक लेफ्ट, आपको याद होगा जाते समय हम लोग एक गुरुद्वारे के वहाँ रुके थे, वो गुरुद्वारा बस आने ही वाला है, बाकी सब लोग आ जाएं फिर साथ में यहाँ से निकलेंगे, ऐसा ना हो कोई सीधा निकल जाए। आपने देखा वो हमारा 4 पैर वाला दोस्त अभी बस टकराने ही वाला था, उसको तो चोट लगती लगती मैं भी सड़क पर ऊंधा हो जाता। बकरी 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 बकरी। अभी ये जो सड़क है ना, इसी सड़क पर राइड करने का मजा आता है। और रवि ने भी क्या जगह चुनी ब्रेक लेने के लिए, दोनों तरफ पेड़, छांव, हरियाली, खेत, वाह। अरे वो रूट अलग अलग आते हैं, कहाँ करना है नाश्ता? अब
यहाँ करने वाले हम लोग नाश्ता। अभी हम लोग यहाँ पर चेतूर में हैं, सप्तगिरी होटल पे नाश्ता करने रुके हैं। तो पप्पन भाई का सामान जो था बहुत तकलीफ दे रहा था, तो पूरा खोल के प्रॉपर फिर से फिटिंग करा है। अब नाश्ता करते हैं और फटाफट निकलते हैं, क्योंकि आज हमको कंप्लीट करना है, आज हॉल्ट नहीं करना है, सीधे घर जाना है। चलो हो गया नाश्ता, आधी टीम निकल भी गई है। पहुंच गए जालना। सुबह से अभी तक हम लोग चले हैं 220 किलोमीटर और टाइम हो रहा है एक, इतना हम लोग करीब 8 बजे निकले थे, तो 5 घंटे में हमने 220 किलोमीटर कवर किया, जिसमें एक दो छोटे मोटे ब्रेक भी लिए हैं नाश्ते वगैरह के। तो अब यहां से जाएंगे हम लोग औरंगाबाद होते हुए धुलिया। धुलिया से अपने को मिल जाएगा सीधा 3 नंबर नेशनल हाईवे बॉम्बे आगरा। तो अभी हम लोग चौकड़ी पर खड़े हैं, ये चौकड़ी है, यहाँ से सिटी में से होते हुए भी जा सकते हो, बाईपास होते हुए भी। एक दो भाई लोग नारियल पानी पीने गए हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी अभी फाइनल हुआ है कि औरंगाबाद में काला ताजमहल देखेंगे, लोकेशन है नहीं, पता नहीं क्या कंडीशन होने वाली है। पप्पल भाई वाली गाड़ी अब चला रहा है पप्पू हीरा, मेरा बड़ा भाई। एक नंबर नज़ारा है यार, सड़क के साथ साथ चल रहा है एक तालाब, काफ़ी बड़ा तालाब है, और पानी होने के कारण क्या हो रहा है कि हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तो बढ़िया लग रहा है यार। ऐसा ही होता रहे तो एक नंबर लगे। अभी तक पूरी गर्म हवाएँ झेल रहे हैं, पर दोपहर का समय हो गया है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है। चलो चलते हैं, बाय बाय तालाब। हाँ जी, एमपी में बड़वानी एमपी में बड़वानी से आए हैं, 8 भाई हैं। ससुराल रतलाम मंदसौर का मेरा ननियाल है। वाह जी वाह, चलो देखो ये दुनिया बहुत छोटी बोलते ना दीदी, दुनिया बड़ी है बाकी लोग मिल जाते हैं। कितना? 700 का कर दीजिए, 700। अब कहाँ जाना है? अब घर जा रहे दीदी, बस दर्शन करके आ गए, अब घर जा रहे हैं बड़वानी एमपी। एमपी गाड़ी पे? हाँ गाड़ी पे ना, गाड़ी से तेलंगाना कर्नाटक तक गए थे। और खाना पीना सब इसमें? नहीं, खाना पीना सब होता है। अच्छा लगा आपसे मिलके, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, संभाल के जाओ। बिल्कुल ठीक दीदी, नमस्ते। यहाँ पर हम लोग औरंगाबाद में बीबी का मकबरा देखने आए हैं, जो कि ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि तो ताजमहल है, ताजमहल मैंने देखा हुआ है, तो अंदर चल के इसको देखते हैं, ताजमहल जैसा होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ वाकई में ताजमहल जैसा है, पर मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है उसके लिए सॉरी। चलो अंदर चलते हैं। बाहर का जो मुख्य द्वार है वो तो डिप्टो ताजमहल जैसा ही है, अब अंदर चल के देखते हैं कितना कॉमन है।
बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ चीज़ों का अंतर नज़र आता है, क्योंकि जो बाद में सरकार द्वारा चेंजेस किए गए, कुछ जगहों को बंद किया गया, खोला गया, कुछ नए रास्ते किए गए, वैसी पूरी सुविधा डिप्टो यहाँ पर नहीं की गई। यहाँ बीच में बीवी की कब्र है जिस पर लोग पैसे चढ़ाते हैं। यहाँ आसपास जितना आप देख रहे हैं ये पैसे रखे हुए हैं, नोट सिक्के, और इसमें जाने का रास्ता बाहर से है जो मैंने आपको बताया अभी। वाकई में यार अगर थोड़ी सी साफ़ सफाई और मेंटेनेंस को छोड़ के देखा जाए तो हूबहू कॉपी है ताजमहल की। अब हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि आधा घंटा सही पर जाएं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि हाईवे छोड़ के औरंगाबाद के अंदर आने में हमारा आधा घंटा ख़त्म हुआ। तो ठीक है, हुआ तो हुआ, पर एक अच्छी चीज़ देखने मिली और साथ ही आप लोगों के लिए भी एक अच्छा कुछ वीडियो में एक पार्ट हो गया देखने का, तो बढ़िया है। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ कमरे हैं जो बंद किए हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। ये मेरे पीछे पूरा गार्डन डेवलप हो रहा है, हालांकि डेवलप्ड है पर शायद अभी गर्मी के कारण ऐसा हो गया है। और ये पूरा जो कैंपस है, पूरा कैंपस पूरा हूबहू ताजमहल के जैसा बनाने का प्रयास किया गया है। अभी मुझे पता लगा कि ये ताजमहल से छोटा है, पर देखने में ऐसा लगता नहीं। तो जो भी है, अब चलते हैं बाइक के पास और निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर हैं और 4:15 हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बड़वानी आते करते हम लोगों को 10 बज जाएगी, सब कुछ ठीक रहा तो, नहीं तो हो सकता है और 1-2 घंटे लेट हो जाए। जो भी है आप लोग साथ में ही पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं। अरे कन्नड़ जाने के लिए किधर से भाई? कन्नड़ जाने के लिए शुरू होने वाला है घाट सेक्शन। आप सामने दिख रही पहाड़ियों को देखकर समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी पहले चढ़ाव आएगा और फिर इन्हीं पहाड़ियों को उतरना है हमको, तो घाट सेक्शन पूरा आने वाला है। ये एलोरा की गुफाओं के गेट पर खड़े हैं हम, आज समय नहीं है इसलिए जा नहीं पाएंगे, पर नेक्स्ट टाइम जरूर एक दिन स्पेशल निकाल के आएंगे हम लोग यहाँ जाने के लिए। एक मजेदार बात बताऊं दोस्तों, लगभग इसी जगह पर जाने के समय में भी शाम हुई थी, अंधेरा हुआ था, और अभी भी सूरज चाचू बिल्कुल डूबने की तैयारी में है। आधे से एक घंटे के अंदर पूरा अंधेरा हो जाएगा। कन्नड़ घाट आने वाला है, फटाफट से कन्नड़ घाट का वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई वीडियो बन नहीं पाएगा। और होता क्या है ना भाई, लोगों अंधेरे में ना तो कुछ दिखता है और ना कुछ देखना चाहिए। और फिर जाने के समय इससे आगे का रास्ता मैंने बनाया था, जो फर्स्ट डे का हमारा वीडियो है, वो यहाँ तक का जो बचा हुआ रास्ता है ना हमारा, वो आने में पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। तो अब फटाफट कन्नड़ घाट का वीडियो बनाते हैं और उसके बाद फिर जो कैमरा बंद होगा तो हम सीधे घर मिलेंगे। और वो देखो सामने सूरज चाचू भी पूरा नीचे जाने की तैयारी में है, घर जाने की तैयारी में है, और हम लोगों को भी जाना है घर, तो चलें चलते हैं। तो है यार, घाट सेक्शन का नज़ारा देखने लायक होता है। वो देखो वहाँ से 3 रंग अलग अलग दिख रहे हैं आसमान के, मतलब आनंद ही आ जाता है, पूरी थकान ही दूर हो जाती है आदमी की यार। गजब यार, वाह जी वाह, क्या कुदरत ने बनाया है यार, वाह। अभी ये घाट लगभग ख़त्म होने वाला है, इसके बाद में मैं कैमरा कर दूंगा बंद, और क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा तो राइडिंग में थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी। इसके बाद हम लोग मिलेंगे घर। जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी घाट सेक्शन में चलाएं तो ओवर केयरिंग से चलाएं, ब्लाइंग बिल्कुल नहीं खेलें, जहां तक दिखे वहीं तक बाइक चलाएं, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं।
अभी हो गई है पूरी रात और कैमरा लगा है मेरे हैंडल बार पर, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके थे एमपी में एंटर होने के बाद, करीब एक घंटे का ब्रेक लिया था। अभी टाइम हो गया है 12 और 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में। तो अब जा रहे हैं घर, तो अब मैं कैमरा बंद करूँगा और फिर सीधे हम लोग घर मिलेंगे। बाय बाय। तो भाई लोगों, अंधेरा होने के बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। अभी सीधे पहुंच गए हम लोग घर, मेरे घर के बाहर खड़ा है बस। नन्ना सरदार भी उसके घर के लिए निकल रहा है, तो इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि बाद में बाइक जो थी पल्सर, उसका इशू हो गया था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। फिर खाना खाया, लेट भी बहुत हो गए। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। जो प्लान था 8-9 बजे तक घर पहुँचने का, तो ठीक है, बढ़िया रहा टूर हमारा। ये इस टूर का लास्ट वीडियो है, और लाइक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई लोग। और साथ ही मैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हूँ तो ये पहुँच गई, इसको खबर लग गई मेरे आने की। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई लोग, शेयर कर देना, और जो भाई मेरे चैनल पे पहली बार आया है वो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल, रब रखना।